हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये बनाने वाले हैं हम बहुत ही क्रीमी लहसुन या पनीर, बहुत ही अच्छी लगती है। लच्छे पराठे के साथ या तंदूरी रोटी के साथ इसको खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए बनाते हैं हम लहसुन या पनीर। उसके लिए लिया है हमने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल। और इसको गर्म करने के बाद पनीर के जो बड़े बड़े टुकड़े किए हैं, इस तरह से टुकड़े करने हैं, उनको हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर इनको दोनों तरफ से इनको हल्का हल्का सेक लेना है हमें। तो मैं सारे टुकड़े डाल दूंगी इसके अंदर। और इस तरह सारे टुकड़े हम बराबर डाल देंगे कढ़ाई में, और इन्हें दोनों तरफ से हमें हल्का हल्का सेक लेना है। और गैस का फ्लेम हमें कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो लहसुन या पनीर है, इसमें जो क्रीमी टेक्सचर आता है ना, जो लहसुन का जो टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। पराठे के साथ है या तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ही अमेजिंग इसका जो टेस्ट है, बहुत ही अलग हटकर होता है। और इस तरह से हम पलट पलट करके इसको, जो पनीर है सारे टुकड़े, दोनों तरफ से सेक लेंगे इनको स्पून की हेल्प से। हम इनको पलट देंगे। इस तरह से सारे जो पनीर के टुकड़े हैं, हम उसको सेक लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं सेकना, हल्का सा जो इसका कच्चा टेक्सचर है ना, बस वो ही चेंज करना है दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से पलट पलट करके हमें सारे पीसेस को चेक करके सेक लेना है। और हमारी ये जो पनीर के टुकड़े हैं, सिक गए हैं काफी हद तक। एक तरफ से सिकने के बाद दूसरी तरफ से हम पलट करके सेक लेंगे। तो हमारे ये सिक गए हैं, और मैं इनको सबको प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ, एक एक करके सारे। देखिए दोनों तरफ से हल्के हल्के सिक गए हैं, ये देखिए। और जो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा है, उसी तेल में हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे, और उसको थोड़ा गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच राई और एक चम्मच जीरा। और इसको थोड़ा छिड़कने देंगे। और जीरा भुन गया है हमारा। और अब इसमें हम प्याज के टुकड़े किए हैं, ये मैंने 4 से 5 प्याज ली थी, और उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसी में हम डाल देंगे टमाटर, वो भी मैंने 3 से 4 लिए हैं, उसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए थे। और इसमें डाले 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च, और 15-20 कलियाँ डाली हैं लहसुन की। और इन सब को हमें जब तक पकाना है, तब तक कि ये सारे जो टमाटर प्याज हैं तब उस सॉफ्ट ना हो जाए, और इनको हमें सॉफ्ट ही ढक कर के ही पकाएंगे, ताकि ये अच्छा सा अच्छे से गल जाए सारी चीज़ें। और फिर इनको ठंडा करने के बाद हम इसको एक प्योरे बनाएंगे,
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। काजू का बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। और डाल देंगे 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी। इन सारे मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और ढक कर के इसको पका देंगे। ढक कर के अच्छे से पक जाएंगे ये और सॉफ्ट होने तक इनको हमें पकाना है। और थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, लगभग 1/2 कटोरी, और वापस से ढक देंगे और इसको पकने देंगे। प्याज टमाटर और बाकी सारी चीज़ें जब तक कि थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। उसके बाद ठंडा करने के बाद इसको पीस लेना है। तो इसको थोड़ा और पकाएंगे अभी। और इसको चला देंगे, अभी थोड़ा इसमें टाइम है तो इसको वापस से ढक देंगे। और वापस खोल के देखेंगे ये थोड़े सॉफ्ट हुए या नहीं। हमारी प्याज टमाटर को चला करके देखेंगे और दबा करके देखेंगे ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो ये सॉफ्ट हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट और पकाएंगे और इसको वापस किसी बर्तन में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो उसी कढ़ाई में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और उस मसाले को मैंने ठंडा करने के लिए डाल दिया है और उसको प्योरे बना लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालने के बाद इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई, 1/2 चम्मच राई डाल दिए और इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे। और ये हमारा तड़क गया है और इसमें डालेंगे हम 1 छोटी प्याज कटी हुई। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे इसको। और अब हमने जो मसाला पीसा था वो उसके अंदर सारा ट्रांसफर कर दिया। और थोड़ा सा पानी लेकर के जो हमारा मसाले का बर्तन है उसमें थोड़ा पानी लेकर के वापस इसके अंदर डाल देंगे। ताकि जो हमारा मसाला है अच्छे से इसके अंदर पक जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसको अब हम ढक करके पकाएंगे। इसमें डाल दिया है मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 कटोरी दही फैटी हुई। और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा ही होना चाहिए, उसको बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। और अच्छे से चलाते रहेंगे क्योंकि दही डालने के बाद हमें थोड़ा सा चलाना पड़ता है वरना दही थोड़ा फट जाती है। और अच्छे से इसको पका लेंगे। देखिए ये पक गई है अच्छे से, एक सार हो गया जो मसाला है हमारा। उसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके थोड़ी सी, ये बहुत अच्छी खुशबू से जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अब 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा पकाएंगे हम।
और इसके बाद हम 3 से 4 चम्मच फैटी हुई घर की ही मलाई डाल देंगे अच्छे से फैट करके। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, स्वाद इसका पनीर का जो है बहुत बढ़ जाएगा। और हमने पहले भी नमक डाला था, जो मसाला हमने पकाया था, तो उसके हिसाब से स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने पहले डाल दिया था, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है। और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें शक्कर, जो इसका वो बैलेंस करेगा, थोड़ा सा हल्का सा जो मिठास आती है ना पनीर में। और आप चाहो तो 1 चम्मच सॉस भी डाल सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको चला लेंगे। और इसमें हम जो पनीर के टुकड़े हमने सेके थे वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। काफ़ी बन गई है हमारी सब्जी, लीजिए तैयार है खाने के लिए। तो इसकी प्लेटिंग करते हैं। पहले डालेंगे इसमें हम ग्रेवी, और अब हम पनीर इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से हमारी, और ऊपर से फ्रेश क्रीम से इसको गार्निश करेंगे। लीजिए तैयार है खाने के लिए लहसुनी पनीर। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लहसुनी पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी। शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, बाय बाय।